दोस्तों, अब देश में भीख मांगने वाले फकीर हो या फिर गाना गाने वाले गायक, अब हर किसी से उनका धर्म और मजहब पूछे जाने लगा है। अभी कुछ समय पहले ही हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें कुछ साधु के वेश में मुसलमान व्यक्तियों को इसलिए पीटा गया क्योंकि उनका पेशा था भीख मांगना और वो कई समय से ऐसे ही साधु के रूप में भीख मांगते थे, तो बस इतनी सी बात पर उनकी पिटाई हो गई। और अब एक कलाकार जो अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म का गाना गाता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। पहले के समय में गायक धर्म देखकर अपने गाने या कव्वाली नहीं लिखते थे, लेकिन अब ये दौर आ गया है कि अगर किसी और धर्म का व्यक्ति किसी और धर्म के ऊपर भक्ति गीत या कोई गाना भी लिख देता है तो फिर वो ऐसे कट्टर पंथियों के निशाने पर आ जाता है। इंडियन आइडल फेम और यूट्यूबर सिंगर फरमानी नाज इन्हीं कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुकी हैं क्योंकि उन्होंने हर हर शंभू गाने को रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। बस इतनी सी बात थी और उनके पीछे पड़ गए सभी मौलाना। इतनी सी बात पर आपको बता दें कि कावड़ का जो है टाइम चल रहा था, सावन का महीना है, ऐसे में हर हर शंभू गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था और इसी वायरल गाने को फरमानी नाज ने भी एक पेशे से, अपने सिंगर के पेशे से गाया और गाकर अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया ताकि लोग उसे देखें, उससे उनकी थोड़ी कमाई हो सके। लेकिन बस इतनी सी बात थी और देवबंद के कुछ मौलानाओं ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। फरमानी का कहना है कि उन्होंने एक कलाकार के तौर पर भक्ति गीत भी गाए हैं और कव्वाली भी गाई है ताकि वो अपने छोटे बच्चे का पालन पोषण कर सके। आपको बता दें कि फरमानी अपने छोटे से बेटे के साथ अपने माँ के घर में रहती हैं क्योंकि उन्हें उनके पति ने, उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। उनके गांव में कुछ लोग गाना रिकॉर्ड करने आए थे एक समय और जब उन्होंने फरमानी को गाना गाते हुए सुना तो उन्हें उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उनका गाना सुनकर रिकॉर्ड भी किया। उसके बाद फरमानी को इंडियन आइडल में भी जाने का मौका मिला, हालांकि वहां से उन्हें अपने बेटे की खराब तबीयत के कारण वापस आना पड़ा, लेकिन अब वो यूट्यूब पर ही अपना गाना अपलोड करती हैं ताकि उनके बच्चे की जो एक इलाज चल रहा है वो चल सके, उसका पालन पोषण हो सके। और जिन मौलाना ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया है उनका कहना है कि हमें गैर इस्लामिक कार्यों से बचना चाहिए। अब अगर ऐसी बात है तो फिर तस्वीर खिंचवाना भी गैर इस्लामी ही है, लेकिन अब YouTube पर हम कितने सारे मौलानाओं के YouTube चैनल्स देखते हैं। आप उर्फी जावेद और सोफी अंसारी जैसे इंस्टाग्रामर और टिकटॉकर्स को तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपकी रीच से बाहर हैं, लेकिन फरमानी नाज ने अगर गाना गा दिया तो बस उन्हें पकड़ लीजिए, उनके खिलाफ फतवा जारी कर दीजिए। गैर इस्लामी कार्य तो हर कोई करता है, हम लोग भी करते हैं, लेकिन उससे क्या किसी का दीन कम हो जाता है? क्या उससे कोई मुसलमान नहीं रहता है? अपना पेट भरने के लिए कोई काम कर रहा है तो उससे उसके मजहब पर और उसके दीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हर काम को हम खुशी खुशी भी नहीं बल्कि कभी कभी मजबूरी में भी करते हैं। फरमानी की माँ ने बताया कि वो रोजे भी रखती हैं और नमाज भी पढ़ती हैं। गाना गाना उनके एक टैलेंट है और अगर वो अपने बेटे के इलाज के लिए अपने टैलेंट को यूज कर रही हैं, गाना गाती हैं, तो उससे उनके धर्म पर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। लेकिन शायद आज के टाइम पे जो ये मौलाना हर बात पे फतवा जारी कर देते हैं वो ये बात नहीं समझते। अगर आपको इतनी फिक्र थी तो आप फरमानी के बेटे का इलाज करवाते, आप उन्हें उनके ससुराल में सही सही वापस भिजवाते, लेकिन नहीं, वो नहीं हुआ। अगर फरमानी अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ कर रही हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, कहते हैं ना जब शोहरत आती है तो जलने वाले भी जरूर साथ में खड़े हो जाते हैं। और रही बात कि हम लोग दीन को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये तो हर किसी के ऊपर लागू होता है, मैं भी नहीं कर पाती, आप भी नहीं कर पाते होंगे, लेकिन उससे कोई इंसान इंसान नहीं कहलाने लायक होता। ये चीज जो आज देश में बढ़ रही है कि अगर ये किसी और धर्म का व्यक्ति है तो हम इसे टारगेट करें, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब आप दूसरों को छोड़िए, आप तो खुद अपने धर्म के व्यक्ति को भी खुशी खुशी नहीं रहने दे रहे हैं। आपके दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्योंकि मैं आपकी सोच भी जानना चाहती हूँ। और अगर आप फरमानी नाज को सपोर्ट करते हैं, अगर आप एक कलाकार को सपोर्ट करते हैं, अगर आप एक गरीब को सपोर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने बेटे के इलाज के लिए वो ये गाने गाती हैं, या फिर सिर्फ वो ही क्यों, ऐसे बहुत लोग होंगे जो अपने मजहब से हटकर कुछ काम करते होंगे सिर्फ रोजी रोटी के लिए, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी राय बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी जल्दी से कर दीजिए।